आज हम एक नई स्टोरी पढ़ते हैं जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस। ये पार्ट वन है इसका, फिर हम पार्ट टू भी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग है, इसके जो राइटर है वो है एल्बोस ईस्टर। इस स्टोरी में पढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइएगा। क्या कहते हैं कि अगर हम लोगों को कैसे जज करते हैं, उनके पैसे के ऊपर, उनके रहन-सहन के ऊपर, या वो कैसे दिखते हैं उसके ऊपर। हमें सबसे पहले पर्सन को कभी पैसे से रिलेटेड, या वो कैसा रहता है, वो कैसा खाता है, या कैसा, उससे जज नहीं करना चाहिए। ये जो एक स्टोरी है, एक सेंसिटिव, एक पुअर लड़की की कहानी है, जिसको उसके जो क्लास में पढ़ने वाले दोस्त थे उसको कैसे वो जज किया करते थे, जिसका नाम था वेंडा पेट्रियंस की। एक यंग पॉलिश गर्ल थी, मतलब कि वो दिमाग से बहुत तेज, बहुत शांत रहती थी स्कूल में, और वो अमेरिकन चिल्ड्रन थी, एक अमेरिकन टाउन में रहती थी। दीज अदर चिल्ड्रन सी वेंडा एज डिफरेंट इन मैनी टाउन, मतलब कि वेंडा को वो लोग क्या अलग समझते थे, उसको हमेशा अलग ट्रीट करते थे, वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन क्या है, अब रीड करते हैं वन वन पैराग्राफ और उसको समझते हैं। टुडे मंडे वेंडा पेट्रियंस की वॉज नॉट इन हर सीट, बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। अब क्या था कि आज उस दिन मंडे था, वेंडा पेट्रियंस की वॉज नॉट इन अ सीट, मतलब कि वो अपनी जगह पर नहीं थी वेंडा, और किसी ने इस चीज को देखा भी नहीं था कि वो आई नहीं है आज, ना पैगी ने ना मैडलिन से ने। जो गर्ल्स थे वो अपना मजाक कर रहे थे, अपने जैसे क्लास में घुसते हैं तो लोग बाग मजाक करने लगते हैं, किसी ने देखा भी नहीं था कि वेंडा आज आई नहीं है। यूजुअली वेंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। रूम 13 क्लासेस के नंबर थे, तो वहां पे रूम 13 में वेंडा हमेशा आकर नेक्स्ट जो लास्ट सीट होती थी उससे सेकंड रो में बैठा करती थी। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट द कॉर्नर ऑफ द रूम वर देयर वॉज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट रोड्स ऑफ लाफ्टर वेन एनीथिंग फनी वॉज सैड, एंड मोस्ट मर्ट एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। क्या था, वो जब भी आती थी रूम के कॉर्नर में बैठ जाती थी, जहां पर जो कुछ बॉयज होते ना जिनके गुड मार्क्स मतलब अच्छे नंबर नहीं आते हैं, वो पीछे जाके बैठ जाते हैं, और जिनको मतलब टीचर से भी बहुत दूर रहते हैं, जो बदतमीज होते हैं एक तरह के, वो वहां बैठते थे, वो वहीं पर जाके बैठ जाती थी। स्कफलिंग ऑफ फीट का मतलब था कि वो जिस रास्ते से आती थी वहां पर बहुत मिट्टी, उसके जो मुंह, उसके जूतों में मिट्टी भरी रहती थी, और जो क्या कहते हैं लोग बाग हंस रहे होते थे, और वेन एनीथिंग फनी वॉज सेड, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, कोई मजाक छोड़ देता है एकदम से हंसने लग जाते हैं, और क्या कहते हैं, जब वो आती थी तो उसके फ्लोर पे बहुत ज्यादा मड, मतलब कि उसकी जो जूतों के अंदर मिट्टी भरी होती थी, और वो फैलाती हुई वो डर्ट को आती थी। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। अब वेंडा वहां पर नहीं बैठा करती थी जहां पर बॉयज बैठते थे पीछे, वो क्योंकि वहां पे बहुत आवाज आती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। वो किसी से बात नहीं करती थी, बहुत ही कम बोलती थी, वो बोलती ही नहीं थी, एंड नोबडी हैड एवर हर्ड अ लाफ आउट लाउड। किसी ने उसकी आवाज भी मतलब जोर से हंसने की आज तक नहीं सुनी। समटाइम्स ही ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रूक शॉर्ट ऑफ स्माइल, जैसे कभी उसको हंसी भी आ रही हो ना तो ऐसे करके चुपके से थोड़ी सी स्माइल मतलब हंस जाती थी, बस उसके लिए इतना ही काम था। ठीक है, नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वेंडा सिट इन दैट सीट अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंग हाइट एंड हर फीट वर यूजली केक्ड विथ ट्राइमर्ड। कोई नहीं जानता था क्यों वेंडा कोने में जाके बैठती है, बस सब लोग ये जानते थे कि वो बॉगिन हाइट से आती है और उसके पैरों में बहुत मिट्टी होती है, क्योंकि वहां पर
बॉगिंग हाइट उसका क्या कहते हैं घर है जहां से वो आया करती थी, और क्या कहते हैं जहां वो आती थी तो उसकी गली में बहुत कीचड़ और मट्टी रहती थी, तो उसके जो शूज में लग जाती थी, इसीलिए उसको सब जानते थे कि वो बॉगिंग हाइट से आती है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रियंस की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। किसी को उसके बारे में इतने जानने की कोई इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि वो आ जाती थी तो सबसे कॉर्नर में जाके बैठ जाती थी, तो किसी को पता चलता नहीं था। द टाइम वेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम वेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन वेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। क्या था, लोग बाग उसके बारे में कब सोचते थे, जब वेंडा स्कूल आवर्स कंप्लीट हो जाते थे उसके मतलब की छुट्टी हो जाती थी तब वो बाहर जाती थी दोपहर के टाइम, या फिर वो स्कूल आ रही होती थी तब उसके बारे में सोचा जाता था। वेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री मतलब की दो लड़कियां चार लड़कियां मतलब बात करते हुए जा रही हैं स्कूल के टाइम में, जैसे सुबह जाते ना आप लोग ही जाते हो तो आपके फ्रेंड्स मिल जाते हो तो कॉरिडोर में आप दोनों मतलब आप लोग बात करते हुए चले जाते हो तो हंसते और बात करते हुए, तो वैसे ही वो अकेली जाया करती थी। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर। कुछ लड़कियां ग्रुप बना के जब छुट्टी हो जाती थी या सुबह आ रही होती थी तो वेट कर लेती थी ताकि वो वेंडा का मजाक उड़ा पाए। द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल। फिर अगले दिन भी वेंडा स्कूल नहीं आई ट्यूजडे वाले दिन, एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन। फिर से किसी ने ये नहीं सोचा कि आज वो स्कूल नहीं आई है। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड डिड नोटिस दैट वेंडा वॉजंट देयर। पैगी वॉज मोस्ट पॉपुलर इन द स्कूल। अब ट्यूसडे को भी नहीं आई मंडे को भी नहीं आई तो किसी ने नहीं देखा। जब वो वेंसडे को नहीं आई तो जो पैगी और मैडी थी जो उसके फ्रंट में मतलब आगे वाली सीट पे बैठा करती थी, और पैगी और मैडी के अच्छे मार्क्स आते थे, और उन्होंने देखा कि आज क्या कहते हैं मिट्टियों के चलने के पैरों के निशान नहीं है, क्योंकि जो वेंडा थी वो आती थी तो उसके पैरों में मिट्टी लगी होती थी तो वो मिट्टी के निशान नहीं दिखे, तो तब उन्होंने नोटिस करा कि वेंडा आज नहीं आई है। पैगी जो थी पूरे स्कूल में बहुत पॉपुलर थी। शी वॉज प्रिटी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, उसके वो रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आती थी और उसके बाल भी कैसे थे कर्ली। तो इस पैराग्राफ में आपको किसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, पैगी का। डिस्क्रिप्शन ऑफ पैगी यहाँ पर बताया गया है कि वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आती थी, उसके जो बाल थे वो कर्ली हेयर्स थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। पैगी की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो थी मैडी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडा एब्सेंस बिकॉज वेंडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। हमेशा अब ये क्यों उसका ध्यान कर रहे हैं वेंडा का, क्योंकि इनको हमेशा स्कूल लेट होने का कारण वेंडा ही होता था, क्योंकि ये वेंडा की क्या करते रहते थे, उसको बुल करते रहते थे और उसको उसका फन करते रहते थे, इसीलिए वो उसको नोटिस कर रहे थे कि अब वो दो दिन से आ नहीं रही है। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा To have some fun with her and she just hadn't come. वो लोग उसका वेट करते थे रोज और वेंडा नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको वो लोगों को उसका मजाक बनाते थे पर वो आ नहीं रही थी और हंसते थे उसके मजाक को बनाकर। They often waited Vanda Petronsky to have fun with her. मतलब कि वो उसका इंतजार करते थे ताकि वो उसका मजाक उड़ा पाए, किसका, वेंडा का। ठीक है, अब आते हैं वेंडा पेट्रियंस की। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। किसी का भी रूम 13 जो क्लास थी उसमें वेंडा पेट्रियंस की जैसे नाम का कोई मतलब ये एक यूनिक नेम था, सबसे अलग लग रहा था, तो ये कोई नहीं था इस नाम मतलब ऐसे नाम जैसे। दे हैड नेम्स इजी टू से लाइक थॉमस स्मिथ और एलन। मतलब कि किसी का भी वेंडा पेट्रियंस की इस तरीके का जो नाम था किसी का नहीं था, सबके इजी नाम जैसे हमारे में देखा जाए तो राकेश पूजा ये सब होते हैं ना, वैसे उनके में ऐसे थे थॉमस स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम बाउंस। एक लड़का था जिसका नाम क्या था, बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट देवर दैट वॉज फनी। और लोगों को लगता था वो कि वो लड़का क्या है, फनी है।
बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैट्रियंस की वॉज. पर इतना भी मजाकिया नाम नहीं था कि पेट्रियॉन्स्की को वो मैच कर पाए. वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, मतलब कि वेंडा का कोई भी फ्रेंड नहीं था. शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट आउट अलोन, जब भी वो स्कूल आती थी अकेले आती थी, और घर भी जाती थी तो अकेले ही जाती थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडेंट हैंग राइट, मतलब कि वो हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस पहन कर आती थी, वो भी बहुत धुल धुल के जैसे फेड हो गई थी, और ना तो ऐसा लगता था ना प्रेस करती है ना ही उसको कभी धोती है. इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, ऐसा वो उसको धोकर तो पहनकर आती थी, साफ लगती थी, पर ऐसा होता ना रेगुलर रेगुलर किसी भी कपड़े को धो तो उसका कलर चला जाता है, और ऐसा भी लगता था कि वो आयरन नहीं करती थी, मतलब प्रेस करके भी वो ड्रेस यूनिफॉर्म नहीं पहनकर आती थी. शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड बट अलॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, मतलब कि उसका कोई फ्रेंड नहीं था पर बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी. समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड. क्या था उसको भले कोई फ्रेंड नहीं था पर बहुत सारी लड़कियां झुंड बना के उसके सराउंडिंग में खड़े हो जाती थी, जैसे एक हॉप स्कॉच क्या है यहाँ पर, हॉप स्कॉच एक गेम होता है जिसमें बहुत सारे बच्चों को एक स्क्वायर्स में खड़ा कर दिया जाता है, स्क्वायर में खड़ा कर दिया जाता है ग्राउंड में, फिर खेला जाता है. तो ऐसी वो वेंडा को चारों तरफ से घेर लिया करती थी. वेंडा पैगी से इन अ मोस्ट कर्टीजियस मैनर एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन. वेंडा पैगी वुड से इन मोस्ट, मतलब कि पैगी बोलती है उससे बहुत, मतलब जैसे होता है ना एकदम से रूडली बात करना कर्टेजियस मैनर, वैसे ही कि शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे किसी टीचर से बात कर रही हूँ उस तरीके से वो बात करती थी. वेंडा शी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज, मतलब कि उसको पुश कर दिया था, वेंडा को थोड़ा धक्का मार दिया था. टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप Hanging up in your closest. Closest का मतलब होता है कबर्ड. तो अब यहाँ पे पैगी उससे थोड़ा हिला के जैसे धक्का मार के पूछती है, वेंडा बताओ तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं जो तुम्हारी कबर्ड में खड़े, मतलब लटके हुए हैं या फिर रखे हुए हैं, वो मुझे बताओ. अब नेक्स्ट पेज पे 100 वेंडा वुड से, अब पैगी उससे पूछती है ना कि कितने कपड़े हैं उसके अलमारी में कबर्ड में, तो वो बोलती है 100, एक फ्रिक्वेंट वॉइस में वो बोलती है 100 है मेरे पास. 100 एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल इनक्रेडुलसली एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन. क्या था, अब वो जैसी 100 बोलती है तो सारी जो वहां पे लड़कियां थी वो ना चाहते हुए भी उस पर विश्वास करी थी. इनक्रेडुलसली का मतलब होता है, मतलब कि ना चाहते हुए भी विश्वास करना. तो बोलती है कि एक लड़की वहां खेल रही थी हॉपस्कॉच, तो वो उसको रोकते हुए उसको सुनती है. ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा. वेंडा बोलती है हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी एक लाइन से लगी हुई हैं सारी. देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर एकदम यही बोलकर उसकी जो होट होते हैं, ये उसका लिप्स होते हैं, वो बिल्कुल शांत हो जाती है. व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी. पैगी बोलती सारी कैसी हैं, सारी सिल्क की होंगी. तो ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स वेलवेट टू, ये वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस वेंडा वुड रिपीट सॉलिडली. अब वो बोलती है क्या कहते हैं कि सारी सिल्की है, सारे कलर्स की, वेलवेट भी है. तो बोलती है हाँ 100 ड्रेसेस हैं जो कि वेलवेट की भी है सिल्की भी है, और वो एकदम कोई भी फीलिंग ना बताते हुए, मतलब कि कुछ भी सॉलिडली का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि कोई भी जैसे एक्सप्रेशन ना देते हुए शांत से बोल देना हाँ वो सारी मेरे पास सारी वेलवेट की भी है सिल्की भी है, और चुपचाप हो जाती है. ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेस, सारी मेरी कबर्ड में तरीके से लगी हुई हैं. देन दे हैड लेट हर गो, ताकि वो यहां से चली जाए. वेंडा को लगता है ये सारे चुप हो जाए और यहां से चली जाए. एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रीक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर. ज्यादा ही दूर वो जानी पाई थी, जैसी मतलब
ज्यादा दूर नहीं गई, वो एकदम से अपने आप को दे कुडंट हैव बर्स्टिंग, वो कुछ नहीं बोली, बस वो हंसती हुई वहां से चली गई. 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेसेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे. सो वाई डिड शी से शी हैज हैड 100? वॉट अ स्टोरी. हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड? आप क्या होते हैं, 100 ड्रेसेस उसने बोला. ऑब्वियसली जो बाकी लोग उसको बोल रही थी कि क्या कहते हैं कि आप क्या होता है, वो बोलती है ऑब्वियसली द ओनली ड्रेसेस वेंडा, मतलब कि अब वो लोग बात करते हुए जा रही होती है कॉरिडोर में और क्या कहते हैं, वो बोलती है इसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस है ब्लू जो कि वो रोज रोज पहनकर आती है. फिर क्यों इसने बोला कि मेरे पास 100 है, क्या स्टोरी बनाई है? अब वो उससे पूछती है हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं? तो वो बोलती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेस, मतलब कि मेरी कबर्ड में सारे लाइन से 60 पेयर्स लगे हुए हैं. क्राइस ऑफ एक्सक्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, मतलब कि वो बोल रहे होते हैं बहुत प्यार, मतलब पोलाइटली, तो वो बोलती है ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, मतलब कि वो बोलती है कि मेरे पास सारे अलग अलग कलर्स के हैं और सारे मेरे क्लोजेस में, मतलब कबर्ड में लगे हुए हैं. पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे she had finishing the walk to school alone, मतलब कि क्या था, पैगी जो हमेशा उसके दिमाग में कुछ गेम चलता रहता है और मैडी उसकी जो कभी दूर ना जाने वाली फ्रेंड होती है वो हमेशा दोनों ही सबसे आखिरी में निकलती हैं. फाइनली वेंडा अपनी गली की तरफ घर की तरफ जा रही होती है, उसकी आंखें बहुत डल होती है, उसके माउथ मतलब उसका मुंह भी चुप होता है और वो अपने शोल्डर को हिलाते हुए बिल्कुल सीधे घर जाती है फनी वे में और अपना जो रास्ता है उसको खत्म करती है. पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, जितनी बुरी पैगी दिखती है जैसा वो दिखाती है वैसी वो इतनी बुरी नहीं है. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो छोटे बच्चों को बुली होने से बचाती है, मतलब कि उसका कोई क्या कहते हैं बुली करता है मारता है तो पैगी उन बच्चों को बचाया करती है. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और पैगी अगर किसी जानवर को पीटते हुए या कुछ बुरा होते हुए देखती है तो बहुत देर तक रोती रहती है. If anybody had said to her, don't you think that is cruel way to treat Wanda? अगर कोई उससे बोलता कि तुम वेंडा को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करती हो, she would have been very surprised, cruel. मतलब कि वो बोलती है, वो बहुत चौंक जाती, बोलती क्या मैं cruel, मतलब कि बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती हूँ. Why did the girl say she had 100 dresses? क्यों उसने बोला कि उसके पास 100 dresses है, कि उसके पास 100 dresses है. Anybody could tell that was a lie. हर कोई बोल रहा कि वो झूठ बोल रही है. Why did she want to lie? क्यों वो झूठ बोलना चाह रही है? And she wasn't just an ordinary person. Else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. वो उसके ऊपर सारे क्वेश्चन उठाती है कि वो ऑर्डिनरी बच्ची है क्या, मतलब कोई अलग से तो वो इंसान है नहीं, जैसे सब है वैसे उसका नाम अलग क्यों है फिर हमसे. पर ये सब बातें होने के बाद भी पैगी ने कभी वेंडा को रुलाया नहीं था. आज की भी है, वेलवेट की भी है और मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और जो मेरी सारी क्लोजेस्ट में लाइन से लगे, क्लोजेस मतलब कबर्ड. देन दे हैड लेट हर गो, वो उसको जाने देती हैं. एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाती है, तो वो बोलती है दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर. वो उसको जैसी वो जा रही होती है वेंडा, तो वो कहते हैं हंसने और वो क्या कहते हैं उसके पीछे से हंसने चालू कर देती, कहती है वो बोल रही है 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे. वो कहती है एक ही तो इसके पास ड्रेस है, कितना झूठ बोलती है कि एक ही ब्लू कलर की तो ड्रेस डेली पहनकर आती है. सो व्हाई डिड शी से
शी हैड 100, क्यों फिर वो ये बोलती है कि उसके पास 100 है, क्या स्टोरी बनाई है उसने, हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड। अगर वो उनसे, वो लोग हमेशा उससे पूछते थे कि कितनी शूज है उसके पास, तो वो बोलती थी 60 pairs, सारे मेरी कबर्ड में एक लाइन से लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एक्सट्रगेटेड पोलाइटनेस एग्रीड दिस ऑल अलाइक, वो कहते हैं कि क्यों इतना झूठ बोलती है, उससे ये भी बोलते थे सारे एक ही कलर के हैं कि सारे अलग अलग हैं, तो बोलती ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट। क्या बोलती थी वेंडा कि मेरे पास सारे पेयर अलग अलग कलर के हैं और सारे लाइन से लगे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो दोनों हमेशा, मतलब कि पैगी को उसके गेम समझ आ गया था, मतलब जैसा वो सोचती थी हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी वेंडा के पीछे, पर मैडी उसी का साथ देती थी क्योंकि वो दोनों हमेशा पूरे स्कूल में लास्ट में निकलती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, वो अपनी गली की तरफ जाने लगी, उसकी आईज डल, डल मतलब होता है सैड, कि मतलब बहुत दुखी और अपने मुंह को चुप करते हुए वो जा रही थी, और उसका शोल्डर भी क्या कहते हैं सीधे सीधे बस चली जा रही थी, फनी वे में वो घर जा रही थी। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, वो हमेशा घर से आया करती थी और जाया करती थी हमेशा अकेले। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, पैगी इतनी भी बुरी नहीं थी, वो शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो जो छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते थे उन सबको वो बचाती थी, और वो अगर किसी एनिमल को बहुत ज्यादा मिसट्रीटेड, मतलब कि क्या कहते हैं कि किसी के साथ एनिमल, कोई भी जानवर के साथ अगर बुरा व्यवहार कोई कर रहा होता था, उसको देखकर वो घंटों घंटों रोआ करती थी। इफ एनीबडी हैड सेड दैट सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, अगर उससे कोई ये कहता कि तुम वेंडा को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करती हो, तो वो शायद सरप्राइज हो जाती होती। क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैज 100, फिर वो क्यों बोलती है कि उसके, झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास 100 dresses हैं। एनीबडी को टेल दैट वॉज अ लाइक, कोई उससे जाके ये बोले कि वो वेंडा झूठ बोल रही है कि उसके पास 100 dresses, उसके पास तो 100 dresses है ही नहीं। Why did she want to lie? क्यों झूठ बोलती है वो ऑर्डिनरी पर्सन, हम जैसी है, अगर उसका नाम थोड़ा, Why did she have a name like that? उसका क्यों ऐसा नेम है फिर। Anyway, they never made her cry. वो बोलती कभी मैंने उसको रोने के लिए रुलाने पे मजबूर नहीं किया है। As for Maddie, this business was business of asking Wenda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. मतलब कि डेली डेली मैडी को ये बहुत बुरा लगता था कि ये रो रोज वेंडा से पूछना उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, उसके पास कितनी हैट हैं, उसके पास कितनी क्या कहते हैं ये है वो है, ये सब पूछना उसको खुद ही बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैडी भी उसी की वेंडा की तरह बहुत पुअर घर से, मतलब गरीब घर से बिलोंग करती थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, हैंड मी का मतलब होता है ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, मतलब कि पुराने कपड़े या उनके कोई रिलेटिव या किसी ने उनको दिए हो वो पहना करती थी। थैंक गॉड गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगन हाइट्स और हैव अ फनी नेम, बस उसको इस बात की बहुत खुशी थी मैडी को कि बढ़िया है वो बॉगिन हाइट में नहीं रहती और ना उसका जैसे वेंडा पेट्रॉन्स की तरह कोई फनी नेम है, और वो इसी बात से बस खुश थी। बाकी उसको बहुत बुरा लगता था पैगी जब उसके वेंडा के साथ ये सब किया करती थी। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चन इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, कभी कभी पैगी वेंडा से पूछती थी ना, उसको मॉकिंग मतलब उसको क्या कहते हैं उसका मजाक उड़ाती थी पोलाइट वॉइस में, तो मैडी को बहुत शर्म आती थी, एम्बेरेस फील होती थी, तो उसके हाथ में वो कंचों से मार्बल से खेलती थी, तो उनको देखने लग जाती थी जब पैगी वेंडा के ऊपर कुछ भी फनी या उसका मजाक उड़ाना चालू कर देती थी। नॉट येट She felt sorry for Wenda. Exactly, she would never have paid any attention to Wenda if Peggy hadn't invented the dresses game. वो कभी भी Wenda को सॉरी नहीं थी, पर उसे ये बुरा लगता था कि वो कभी इस चीज का मजाक नहीं उड़ाती अगर पैगी ये गेम चालू नहीं करती उसकी ड्रेसेस के ऊपर, हमेशा उसके बारे में ड्रेसेस के बारे में डेली डेली बात करती थी, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, तो कभी ये बात पता ही नहीं चलती अगर ये पैगी ये
गंदा गेम चालू नहीं करती. बट सपोज पेगी एंड ऑल अदर्स स्टार्टेड इन हर ओन नेक्स्ट, शी वॉजेंट एज पुअर एज वेंडा. वो ये इस बात से खुश थी, अगर वेंडा नहीं होती उसको नहीं पकड़ती तो ये मेरे पे आ जाती, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से बिलोंग करती हूँ, गरीब हूँ. बट शी वॉज पुअर परहैप्स, बट शी वॉज पुअर क्योंकि वो भी एक गरीब घर से है. ऑफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रॉन्स की. वो ये कहती है कि मैं उसे रोक तो नहीं सकती हूँ, पर क्या कहते हैं, अगर मैं करूंगी तो ये मेरे ऊपर ही आ जाएंगी. पर शायद पैगी के खुद ही ये रियलाइज हो कि वो खुद ही इस गेम वेंडा को चिढ़ाना बंद कर दे. टूडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वेंडा. एक आज की बात है, वो तो क्या बोलते हैं कि एक दिन वो लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए दोनों, तो उन दोनों को इस बात का बहुत, मैडी को इस बात का बहुत शांति मिलती कि आज हमें वेंडा नहीं मिली है और हमने आज उसका मजाक नहीं उड़ाया है. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेड. वो अपने मैथ्स के सम्स कर रहे थे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि आज भी वेंडा स्कूल में नहीं आई है. 8 times 8 मतलब कि क्या कहते हैं, 8 का टेबल वो रीड कर रहे होंगे या याद कर रहे होंगे. लेट्स सी, शी विश्ड शी हैड द नर्व टू राइट पैगी अ नोट बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी. वो क्या बोलते हैं कि वो मैडी ये चाहती थी, उसकी विश थी कि वो एक पैगी को लेटर लिखे जिसमें वो बोले के कहते हैं कि वो वेंडा के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, पर उसके पास करेज मतलब कि इतनी नर्वस थी कि वो लेटर लिख नहीं पाई, क्योंकि बोल तो सकती नहीं थी पर वो लिख नहीं पाई. हे पैग लेट स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. वो क्या लिखना चाहती थी कि पैग अब हम बंद करते हैं पैगी बार बार उससे ये पूछना उसके पास कितनी ड्रेसेस है, उसको भी ये बुरा लगता होगा. वेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट नोट टू पैगी. जैसे उसने क्या कहते हैं मैथ्स की प्रॉब्लम मैथ्स करना बंद कर दी, तो फिर वो पैगी को नोट लिखना चालू करी. सडनली शी पॉज्ड एंड शटर्ड मतलब कि एकदम से डर गई. शटर्ड मतलब डर जाना. वो रुक गई क्योंकि उसे एक पिक्चर उसके दिमाग में आई. शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड. वो एकदम से अपना ही इमेजिन करती है, अगर वेंडा को बंद कर देंगे तो ये मुझे पकड़ लेंगे, एक न्यू टारगेट मिल जाऊंगी मैं पैगी को और बाकी लड़कियों को. पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेसेस that she had on and Maddie would have to say it was one of Peggy old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings. तो क्या बोल रही है वो कि वो रुक जाती है क्योंकि उसके दिमाग में इमेजिन आ जाती है, अगर वो उससे ये बोलेगी तो पैगी उसी से पूछेगी तुम ये ड्रेसेस कहाँ से पहनकर आती हो. उसको ये बात नहीं पता कि वो ड्रेसेस उसी की पुरानी ड्रेसेस हैं जिसको उसकी मम्मी मैडी की मम्मी थोड़ा रिबन वगैरह लगा के थोड़ा उसकी ट्रिमिंग वगैरह कर देती थी जिससे वो अच्छी लग जाती थी और चेंज हो जाती थी. ठीक है, नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट. इसीलिए उसको वो काट कर रिबन्स या कुछ अलग लगा देती थी उस कपड़े में ताकि पैगी की ड्रेस उसको कोई रूम 13 में ना पहचान पाए. इसीलिए वो रूम 13 में कोई उसकी ड्रेस नहीं पहचान पाता था कि मैडी की ये पैगी की ही पुरानी ड्रेसेस हैं जो वो डेली पहनकर आती थी. If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wenda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though it pushed the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? इफ ओनली पैगी, अगर खुद पैगी ही डिसाइड करे कि उसको अब वेंडा को टीज करना नहीं चाहिए मतलब कि उसको क्या कहते हैं बुरा भला नहीं कहना चाहिए, तभी पैगी रुक सकती है क्योंकि वो खुद नहीं बोल सकती है. मैडी का वैसी हाथ उसके बालों पे चलाता है. ब्लॉन्ड हेयर मतलब कि गोल्डन हेयर. यहाँ जो ये ब्लॉन्ड लिखा है इसका मतलब है गोल्डन हेयर. एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे मतलब कि
वो अपने बालों पे हाथ फिराती है ताकि जो इसके दिमाग में जो ये बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं वो बंद हो जाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, स्लोली मेडिटोर इनटू बिट्स। जैसे उसके हाथ में पेपर होते हैं उन सबको क्या कर देती है, फाड़ देती है। दैट नोट शी हैड स्टार्टेड, जो वो पैगी को लिखने वाली होती है, क्योंकि वो कहती है शी वॉज पैगी बेस्ट फ्रेंड, वो कहती है कि मैं पैगी की बेस्ट फ्रेंड हूं। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और ये ऐसी लड़की है पैगी जो पूरे रूम में सबसे अच्छी और बहुत सब लोग इसको लाइक करते हैं। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, वो कहती है कि पैगी क्या कहते हैं कोई भी गलत काम नहीं करेगी जो उसको गलत लगता हो, वो ये सोच रही है मैडी। एज फॉर वेंडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बॉगिन्स हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। जो वेंडा थी वो एक ऐसी इकलौती लड़की थी जो बॉगिन हाइट्स में रहती थी और हमेशा स्कूल अकेले आती थी और स्कूल में भी अकेली रहती थी। शी स्केयर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, वो कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उसे डर लगता था। द ओनली टाइम शी वॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट 100 ड्रेसेस, मतलब कि जब वो तभी स्कूल में आपको दिखाई देती थी जब कोई उससे उसके 100 ड्रेसेस के बारे में बात करता था। मैडी रिमेम्बर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स एंड शी रिमेम्बर्ड अनादर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड स्लैश, यू हैड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंटेड एडमायरेशन। मैडी को याद था कि उसने एक ड्रेस उसकी वो देखी थी जो ब्लू कलर की थी, पेल ब्लू मतलब लाइट ब्लू कलर की थी, जिसपे कलरफुल ट्रिमिंग मतलब रिबन्स लगे हुए थे, और उसको ये भी याद था कि एक और थी जो जंगल ग्रीन कलर की मतलब ग्रीन कलर की थी जिसपे रेड कलर के जो शैश लगे थे, मतलब कि वो जो वेटर्स के लगते हैं वो लगे हुए थे। वो उससे बोलती हैं कि तुम क्रिसमस ट्री की तरह लग रही हो, और जो गर्ल्स होती हैं उसको बहुत ज्यादा प्रिटेंटेड वे में बोलती हैं, ठीक है। थिंकिंग अबाउट वेंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेस्ट, मैडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्रॉइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। जैसे अब एक स्कूल में क्या होता है, वेंडा के बारे में सोच ही रहे होते थे तभी एक कॉम्पिटिशन या एक वो कंपटीशन आ जाता है स्कूल में, जो बोला जाता है, मैडी ये सोचने लग जाती है क्या कहते हैं कि अब स्कूल में कौन बनाएगा 100 ड्रेसेस जो अलग अलग ड्रॉ करके कलर करने, कौन जीतेगा वो कॉन्टेस्ट जो स्कूल में रखा गया है। फॉर गर्ल दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। गर्ल्स के लिए तो बोला था 100 ड्रेसेस की डिजाइन करनी है, अलग अलग कलर की अलग अलग डिजाइन की होनी चाहिए, और बॉयज के लिए उनको मोटर बोट्स मतलब की जो भी उनकी बाइसाइकल्स हैं और जो भी वो बनाना चाहते हैं वो 100 अलग अलग डिजाइन की होनी चाहिए। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, सबको ये लग रहा था पैगी ही जीत पाए, गर्ल्स में से जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, पैगी की ड्राइंग अच्छी थी और कोई बना नहीं सकता था क्योंकि उसके पास इतनी ड्रेसेस नहीं थी। एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट, शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ इमेजिन एंड सम फिल्म स्टार हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इस इट वॉज। वो क्या कहते हैं, वो बोल रही थी कि क्या कहते हैं यही इमेजिन करके मैगजीन में या फिल्म स्टार होते हैं उस तरीके से आपको ये बना सकती है। और ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, मैडी श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे हैड नो, कहते कल मैम विनर अनाउंस करेंगी, देखते हैं कल कौन जीतेगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग का मतलब होता है बहुत थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होना। पैडी मैगी एंड पैडी हरिड टू स्कूल अंडर पैगी अम्ब्रेला, ये लोग स्कूल के लिए भाग रहे थे क्योंकि रिजल्ट आने वाला था, तो मैगी और पैगी एक ही अम्ब्रेला में, पैगी के अम्ब्रेला में दोनों स्कूल भाग रही थी। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा पेट्रियंस की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, क्या था क्या कहते हैं कि वो आज भी वो नहीं आई थी तो उन्होंने उसका वेट नहीं करा वेंडा पेट्रियंस की का, और वो चलती चली गई स्ट्रीट्स में से होकर मतलब गलियों में से होकर। द स्ट्रीट दैट फार
far away under the railroad tracks and up the hill led to Bogen Heights. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. उन लोगों ने ज्यादा उसका देखो अगले दिन की बात है. धीरे धीरे बारिश हो रही थी. मैडी और पैगी स्कूल के लिए बहुत तेज भाग रही थी और पैगी के अम्ब्रेला के अंदर ही, क्योंकि नेचुरली उसी दिन उनको वेंडा नहीं मिली थी उनके रास्ते में और वो उसी के रास्ते से जा रही थी ओलिवर स्ट्रीट से होते हुए, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया. उन्हें बॉगेन हाइट से निकलते निकलते वो अपने स्कूल जा रही थी क्योंकि आज वो लेट होने का चांस नहीं ले सकती थी क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था. अब नेक्स्ट, डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टूडे, आस्क पैगी. पैगी मैडी से पूछ रही है क्या आज जो मिस मैसन उनके टीचर हैं वो विनर्स अनाउंस करेंगे आज. ओ आई होप सो, हाँ शायद, सेड मैडी. ऑफकोर्स यू विल विन पैग. मैडी क्या बोलती है, तुम ही जीतोगी मुझे भरोसा है. होप सो, सेड पैगी ईगरली. बहुत एकदम से बोलती है शायद, हाँ हो सकता है. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे वर स्टॉप शॉर्ट एंड गैप्ड. There were drawings all over the room on every ledge and window sill, dazzling colors and brilliant, lavish designs. क्या था, जैसे वो एक क्लास रूम में एंटर करी तो वो रुक गई क्योंकि हर जगह ड्रॉइंग्स रखी हुई थी विंडो सिल पे, बेंच पर, और वो अलग अलग कलर की थी और ब्रिलियंट ड्रॉइंग बनी थी और हर लेविश डिजाइन मतलब कि बिल्कुल एक्सीलेंट डिजाइन, ग्रैंड डिजाइन्स की वो सारी ड्रॉइंग्स बनी हुई थी. ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ वेपरिंग पेपर. वेपरिंग पेपर के ऊपर वो डिजाइन्स बनी हुई थी बहुत सुंदर. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. वो शायद जो जितनी भी ड्रॉइंग्स होंगी वो 100 के लगभग होंगी और सारी एक लाइन से लगी हुई थी. There must be the drawings for the contest. They were everybody stopped and bristled or murmured unadmiringly. मतलब कि हर कोई वो ड्रॉइंग्स देख रहा था और वो सब लोग विसल बजा रहे थे और बोल रहे थे कितनी अच्छी ड्रॉइंग्स बनाई है. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagler's had won for the boys, she said. क्या हुआ, वो जैसी क्लास में आई तो असेंबल हुए सब लोग बैठ गए तो जैसी मिस मैसन जो टीचर थी उन्होंने विनर अनाउंस कर दिया बॉयज का. उन्होंने बोला जैक बैगलर्स जीता है बॉयज में से. उसके डिजाइन्स आउटबोर्ड मोटर के थे क्योंकि बॉयज को तो मोटर बोर्ड बनाने को मिली थी डिजाइन और गर्ल्स को मिली थी ड्रेसेस के लिए 100 ड्रेसेस के लिए. तो उन्होंने बोला जैक बैगलर्स जीता है और वो क्या कहते हैं उसकी जो भी डिजाइन है वो रूम 12 में रखे हुए हैं एग्जीबिशन में, जिसको देखनी वो वहां जाकर देख सकता है. अलोंग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज, मतलब कि बाकी सब बॉयज के भी रखे हुए हैं वहीं पर, एग्जीबिशन लगी हुई है आप वहां जाकर देख सकते हो. एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल्दो जस्ट वन और टू स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट. उन्होंने बोला कि गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में सब गर्ल्स ने बस एक या दो स्केचेस ही मेरे को सबमिट करे हैं, बट एक लड़की है जो रूम 13 की, तो मैं रूम 13 वालों को उस पर प्राउड होना चाहिए, उसने मुझे दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन. ये जो एक लड़की है इसने 100 डिजाइन बनाए, सारे अलग अलग हैं और सारे ब्यूटीफुल हैं. इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज. सारे जजेस ने देखकर ये देखा है कि एनी वन ऑफ द ड्रॉइंग मतलब कि हर एक ड्रॉइंग जो भी 100 ड्रेसेस, हर एक ड्रॉइंग एक प्राइज कैरी कर मतलब विनिंग करने का वो रखती है. आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, मेरे को बहुत खुशी हो रही है बोलते हुए कि वेंडा पेट्रियंस की विनर है गर्ल्स की मेडल की. ठीक है, मतलब गर्ल्स में से कौन जीता है, वेंडा पेट्रियंस की जीती है. Unfortunately, Venda have been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. वो क्या बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली वेंडा स्कूल नहीं आ रही थी कुछ दिनों से और वो अपनी तारीफ नहीं रिसीव कर पा रही, अपना अवार्ड रिसीव नहीं कर पा रही है. लेट अस होप शी विल बैक टुमारो. सब मैम बोलती हैं
होप कर सकते हैं, हम ये आशा कर सकते हैं वो कल स्कूल आएगी. नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एग्जीक्यूट ड्राइंग्स. मतलब कि आप लाइन से इन ब्यूटीफुल ड्राइंग्स को एग्जीक्यूट, मतलब हो गया कि बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग्स जो उसने बनाई है आप देख सकते हो एक तरीके से. द चिल्ड्रन बर्स्ट इन टू अप्लॉज एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड व्हिसल. मतलब चिल्ड्रंस को होता है ना, जैसे स्कूल से क्लास में से निकालते तो बोलते हैं प्रिंट ऑफ साइलेंस लाइन में चलिए, वैसे ही सारे स्कूल बच्चों को वो लाइन में लेके जा रहे थे और उन्होंने फ्लोर पे चुपचाप, क्योंकि सब लोग देखना चाह रहे थे एग्जीबिशन, तो हर कोई देखना चाहता था, उनके मुंह पर उनकी मतलब फिंगर ऑफ लिप्स रखवा दिया. दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, जो देखने के लिए भी नहीं थे उनको भी, मतलब जिनको नहीं देखनी थी वो ड्रेस. Back whispered Maddie, there's that blue one she told us about, isn't it beautiful. वो बोलते हैं पैगी देखो, धीरे से बोलती है मैडी कि ये ब्लू वाली ड्रेस भी है यहाँ पे ड्रॉ करे हुए रखी है जो वो हमें बताती थी, क्या ये ब्यूटीफुल है. तो पैगी बोलती है हाँ ये ब्यूटीफुल है. यस सेड पैगी एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन, वो एक और ग्रीन और रेड ड्रेस के बारे में बताती थी हमें, वो भी है देखो यहाँ पे ग्रीन वाली बॉय. एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और मैं वो सोच रही थी मैं शायद ये वाली ड्रॉइंग अपनी पूरी, मतलब ये वाली पिक्चर भी मैं बनाने की सोच रही थी. पैगी ये बोल रही है. तो ये आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 100 ड्रेसेस का. अब पार्ट सेकेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा. थैंक यू.